पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। दोस्तों मूवी कब रिलीज होगी है हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, पहले बात कर लेते हैं ट्रेलर की। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान नाम सुन के भारत के हर एक आदमी में वीरता और जोश आ जाती है। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, आगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसी कैरेक्टर में आपको बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान के रूप में अक्षय कुमार की धांसू एंट्री होती है। वह दर्शाते हैं कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने बहादुरी के साथ जंगों को जीता और दिल्ली की सल्तनत हासिल की। अभिनेता अक्षय कुमार स्टारर पृथ्वीराज का हमें और आपको बेसब्री से इंतजार था। फिल्म पृथ्वीराज में मनुषी भी अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही है। वहीं अक्षय कुमार को सम्राट पृथ्वीराज के रूप में देखकर उनके फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हो गए हैं। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है, जबकि इसका निर्देशन चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा किया गया है। ट्रेलर वीडियो की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 12वीं सदी से। फिर पृथ्वीराज चौहान के रूप में अक्षय कुमार की धांसू एंट्री होती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सारे जंगों को जीतकर दिल्ली की सल्तनत हासिल की और अंत में मोहम्मद गोरी का भी सामना करके जंग जीतता है। फिल्म में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच की जंग को दर्शाया गया है। मोहम्मद गोरी के रूप में आपको मानव बीज नजर आने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेलर का आकर्षण केंद्र मनुषी भी है। मनुषी अपने किरदार में काफ़ी जच रही है और ऐसा लग रहा है कि फिल्म में अपने अभिनय और सादगी से लोगों का दिल बाग बाग करेगी। फिल्म में आपको दो दिग्गज अभिनेता और देखने को मिलेगा, सोनू सूद और संजय दत्त। फिल्म में अपने अपने किरदार के साथ दोनों न्याय करने वाले हैं। यह फिल्म इतिहास, देशभक्ति और उन मूल्यों के चित्रण को एक साथ लाता है जिन्हें हमें जीना चाहिए। यह फिल्म प्यार की एक कहानी भी बताती है जो शायद ही आपने कभी किसी फिल्म में देखी होगी। आपका उससे क्या रिश्ता? जो रिश्ता गंगा और पवित्रता का है, जो रिश्ता पानी और प्यास का है, जो रिश्ता सांस और जीवन का है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान को शानदार श्रद्धांजलि अर्पित करने में अपना बेस्ट दिया है, जिसने भारत के लिए इतना कुछ किया जिसे हम जानते हैं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इस फिल्म की कहानी में एक आश्चर्यजनक शोध किया है जो आपको फिल्म देखने से ही पता चलेगा। तो दोस्तों यह फिल्म 3 जून 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा मानिए तो चले जाइएगा थिएटर, क्योंकि इसे बड़े पर्दे पर देखना काफ़ी रोमांचक भरा रहेगा। आपका पूरा पैसा वसूल होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। और यह फिल्म एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। वीरता और हौसला का उदाहरण सम्राट पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी है, तो इसे देखना मतलब हमारे अंदर की वीरता और हौसला को बढ़ाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।